नमस्कार दोस्तों, मंदिर माँ की गंगा पुष्टि का एक चुरंत मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर शासन क्या कार्रवाई कर रहा है, आगे इसमें क्या होने वाला है, प्रशासन इसमें कितना नकारा हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा क्या क्या फैसले दिए गए हैं, इन पे अभी क्या कार्रवाई चल रही है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि किन किन लोगों के निर्माणों को शासन द्वारा आगे तोड़ा जाएगा, और हम आपकी बात करवाएंगे उस व्यक्ति से भी जिन्होंने कानूनी दांव पेच का सारा खेल खेला और इस मामले को एक मुकाम तक पहुंचाया। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। पुराने समय में राजा महाराजा जो मंदिर बनवाते थे, उनके पुजारी को अपना लालन पालन करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो उन्हें मंदिर के लिए जमीन दान किया करते थे, जो मंदिर के नाम से होती थी। मतलब आज अगर मंदिर पे कोई पुजारी अपॉइंट है तो वो पुजारी उस जमीन को यूज कर सकता है, लेकिन कल को पुजारी बदल जाता है तो वो जमीन उस पुजारी की नहीं रह जाती, वो जमीन उस पुजारी की होगी जो अगला मंदिर पे लगाए। मतलब मंदिर के नाम की जमीन मंदिर की रहेगी, ना कि पुजारी की। अगर सरकार भी चाहे तो मंदिर की जमीन को अपने अधिकार में नहीं ले सकती, तो आम आदमी की तो दूर की बात है। अगर सरकार को भी लेना होगा मंदिर की जमीन को, तो उसका किराया देना होगा देवस्थान विभाग को। अगर कोई पुजारी या भूमाफिया मंदिर की जमीन को बेचता है तो कार्यवाही पुजारी पे होनी चाहिए या जिसने खरीदी है उस पे होनी चाहिए, क्योंकि भूमाफिया का तो बीच में नाम ही नहीं होता इसमें। ये जमीनें स्टाम्प पे बेची जाती है, और स्टाम्प में या तो पुजारी का नाम होता है या खरीदने वाले का नाम होता है, उसमें भूमाफिया का नाम बिल्कुल नहीं होता। मान लीजिए आपके घर में 10 सदस्य हैं और आपका घर सरकारी राशन से चलता है, लेकिन आपके राशन कार्ड में सिर्फ 5 लोगों का ही नाम है, तो राशन तो आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लोगों का। मतलब ये है, आपको पूरे महीने या तो भुखमरी में बिताने पड़ेंगे या फिर आधा आधा खाना पड़ेगा, भूखे पेट रहना पड़ेगा। तो यही हाल हमारे शहर का भी हो रहा है, क्योंकि जो लीगल कॉलोनी है उनके लिए जो बजट आता है सरकार द्वारा नगर परिषद को, प्रशासन को, वो बजट अवैध कॉलोनियां, जो अवैध निर्माण किए गए हैं, जो चारागाह में बनाई गई हैं, जो सिवायचक में बनाई गई हैं, जो मंदिर माफी बनाई गई हैं, ऐसी कॉलोनी में लगा दिया जाता है। ये कार्रवाई होगी सैनिक नगर बंसी महाराज के खेत पर, जिसका खसरा नंबर 5821 से 5826 तक है। इस खसरे में काफी अवैध निर्माण पहले भी तोड़े जा चुके हैं, लगभग 2 बार जेसीबी भी चल चुकी है, और अभी भी वहां पे कुछ पक्के निर्माण मौजूद हैं जिन्हें तोड़ा नहीं गया है। दोस्तों, मंदिर माफी की जो जमीन है ये उदई में स्थित एक मंदिर श्री महादेव जी के नाम से है। ये पूरी जमीन लगभग देखा जाए इस मंदिर की, ये पूरी जमीन लगभग 56 बीघा जमीन है, ऐसे ज्यादा भी हो सकती है, जो सैनिक नगर से कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड पर दोनों तरफ है। मंदिर के पुजारी द्वारा इस जमीन को कई दशकों से छोटे 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 टुकड़ों में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं, और अब इस पे कई कॉलोनियां बस चुकी। ये मामला पहली बार तब संज्ञान में आया जब 1 नवंबर 2022 को तत्कालिक SDM नरेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन दिया गया। हालांकि उस ज्ञापन से हुआ कुछ नहीं, निर्माण जस के तस चलते रहे। खसरा नंबर 5821 से 5826 में जो हरे पेड़ खड़े हुए थे कई दशकों से, उन्हें प्रशासन की आंखों के सामने काट के गिरा दिया गया, लेकिन प्रशासन ने इस पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कटाई रुकवाई तब जब सारे पेड़ काटे जा चुके। इसके बाद निर्माण कार्य लगातार जारी रहा, इसकी कॉलोनी का नक्शा भी निकाल दिया गया, आप देख सकते हैं। लगभग 4 से 5 बार भरतपुर संभागीय आयुक्त को इस मामले में शिकायत करवाई गई,
राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा और अवैध निर्माण लगातार जारी रहे। हालांकि इस बीच में छोटे मोटे निर्माणों को तोड़ दिया गया, लेकिन उससे निर्माण नहीं रुके। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद थे क्योंकि गंगापुर प्रशासन शायद उनके साथ है। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट दीप कुमार सोनी ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगा दी। इस जनहित याचिका में जयपुर हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जिला कलेक्टर के नाम ऑर्डर जारी किया, जिसमें सभी अवैध निर्माण हटाए जाने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसा कि सबको पता है, निर्माण वहां पर अभी भी मौजूद है, मतलब हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई। जब हाईकोर्ट के आदेश भी नहीं माने गए तो आरटीआई एक्टिविस्ट योगेंद्र सिंह ने जिला कलेक्टर के नाम अपने वकील से न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी करवाया और साथ ही हाईकोर्ट में फिर से अपील की, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। आइए अब इसके बारे में उन्हीं से बात करते हैं। योगेंद्र जी नमस्कार, इस जमीन के बारे में थोड़ा बताइए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगापुर मुख्यालय की बेशकीमती जमीन है 14 बीघा, इसके खसरा नंबर है 5823 से 5826 तक, और ये सेटलमेंट टाइम से दिनांक आज तक श्री महादेव जी के नाम पुटकास्त है, जिस पर लगभग 1.5 साल से अवैध निर्माण अवैध कब्जे करवाए गए हैं और उन पर बार बार प्रशासन को अवगत भी करवाया गया है टाइम टाइम पे, लेकिन प्रशासन की मिली भगत से ही ये निर्माण हुए हैं और भूमाफिया इनके साथ हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है सर, आप ये बताइए कि प्रशासन ने अभी तक इस मुद्दे पर किया क्या है। जी यहाँ पे लगभग है ना 1.5 साल से अवैध निर्माण और अवैध बोर्डिंग की जा रही है, जिस पर प्रशासन को बार बार अवगत कराया गया है, जिस पर प्रशासन खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं और अवैध निर्माण ना तो रुके हैं आज तक, ना ही रोके गए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया है, उन्होंने क्या कहा है, इस बारे में जरा रोशनी डालिए। हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को एक आदेश दिया था, इसमें कहा गया था कि एक टीम गठित की जाए जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाए और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करवाई जाए, और उसके बाद ना तो कोई जांच हुई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन ये बताइए आप इस मुद्दे पे कर क्या रहे हैं इस समय, ये बताइए। जी मेरे द्वारा दिनांक 3/4/2024 को अपने एडवोकेट के थ्रू जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक नोटिस भिजवाया, जिस पर प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर खाना पूर्ति करते हुए कुछ प्लॉटों की बाउंड्री वॉल और एक निर्माण चल रहा था एक मकान का उसको तोड़ के आ गए, जबकि मौके पर कुछ 3 या 4 मकान मौके पर अभी भी हैं जो बन चुके हैं और सीसी रोड है उसको छोड़ दिया गया, उसको कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है। अच्छा जी, तो अब आगे क्या होने वाला है। जी इस पर कुछ समय बाद ही हाईकोर्ट एक निर्णय देगा जिसमें अवैध निर्माण जितने भी बने हुए हैं उनको तोड़ फोड़ के आदेश आने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं, और इसमें मेरी गंगापुर वासियों से ये कहना है कि जो मंदिर माफी की जमीन है ना तो इसकी कभी रजिस्ट्री हो सकती है, ना कभी इसके पट्टे बन सकते और ना ही आप इसमें कभी निर्माण करवा सकते। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जिन जिन्होंने प्लॉट यहाँ पर ले रखे हैं खरीद रखे हैं तो वो अपने पैसे जल्द से जल्द वापस लें, क्योंकि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होने वाली है, जितने भी अवैध निर्माण बने हो सबको दोस्त किया जाएगा। जी क्या भविष्य में आगे भी और भी कोई कार्रवाई होने वाली है या होगी। मैं आपको बता दूं गंगापुर में और भी जमीनें हैं मंदिर माफी की जो मेरी जानकारी में आई है, तो आने वाले टाइम मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ और उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी निर्माण अवैध निर्माण करवा रखे हैं लोगों ने और अवैध निर्माण किए गए हैं प्लॉटिंग की गई है मैं सबको ध्वस्त करवाना चाहता हूँ। ये मंदिर की जमीन है, मंदिर के नाम ही रहेगी और इसकी ना तो रजिस्ट्री हो सकती है ना ही किसी और के नाम चढ़ सकती है। जनता को जो इन भूमाफियाओं के चक्कर में पड़ जाती है और अवैध जमीनें खरीद लेती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे। जी मैं जी न्यूज पोर्टल के माध्यम से भोली वाली जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर माफी की जमीन शहर में या शहर के बाहर ना खरीदें, क्योंकि तो वो मंदिर के नाम ही रहेगी और उन पर कार्रवाई होती रहेगी, तो जितने भी आपने पैसे लगा रखे हैं भूमाफिया को दे रखे हैं किराए के नाम पर, तो उनको वापस दिया जाए और धन्यवाद।
धन्यवाद योगेंद्र जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है योगेंद्र जी से, मंदिर माफी पे हो रहे सभी निर्माण टूटेंगे तो सही, आज नहीं टूटेंगे तो कल टूटेंगे। ठीक है, आज तक हमें कई निर्माणों के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे पता चलता जा रहा है हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो बन चुके हैं उनका तो देखना पड़ेगा, लेकिन जो अभी बन रहे हैं उन्हें हम नहीं बनने देंगे। और सिर्फ सैनिक नगर की नहीं, आगे भी कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी जयपुर रोड की बाकी है, अभी गंगा जी की कोठी की बाकी है, और भी इस तरह की। हम इतनी मेहनत करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपका सिर्फ इतना सा फर्ज बनता है कि कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।